नमस्ते बच्चों। नमस्ते जी, कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं जी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सृजनात्मक लेख, इट मीन्स क्रिएटिव राइटिंग। टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्रिएटिव राइटिंग, इन हिंदी सृजनात्मक लेख। आवर टॉपिक इज शेप, भेड़ के बारे में कुछ वाक्य। हम भेड़ के बारे में कुछ वाक्य पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर उसके बारे में लिखो। बच्चों, ये किसका चित्र है? भेड़ का जी। यह भेड़ का चित्र है। तो आइए इसके बारे में हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अवर फर्स्ट सेंटेंस इज, पहला वाक्य है, भेड़ एक पालतू पशु है। क्या है बच्चों? भेड़ एक पालतू पशु है। सेकंड सेंटेंस, दूसरा वाक्य है, भेड़ से हमें दूध मांस व ऊन प्राप्त होती है। क्या है बच्चों? पढ़ो। भेड़ से हमें दूध मांस व ऊन प्राप्त होती है। तीसरा वाक्य है, भेड़ पालन एक पुराना व्यवसाय है। क्या है? भेड़ पालन एक पुराना व्यवसाय है। चौथा वाक्य है, भेड़ की खाद भूमि को उपजाऊ बनाती है। भेड़ की खाद भूमि को उपजाऊ बनाती है। पांचवा वाक्य है, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। अगला सेंटेंस, छठा वाक्य, भेड़ कृषि अयोग्य भूमि में चरती है। भेड़ कृषि अयोग्य भूमि में चरती है। हमारा सातवां वाक्य है, भेड़ की औसत उम्र 8 वर्ष होती है। भेड़ की औसत उम्र 8 वर्ष होती है। आठवां वाक्य, भेड़ एक शाकाहारी जानवर है जो घास और अनाज खाती है। भेड़ एक शाकाहारी जानवर है जो घास और अनाज खाती है। नौवा वाक्य, भेड़ का दूध बहुत पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। भेड़ का दूध बहुत पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चीन में सबसे ज़्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। चीन में सबसे ज़्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। तो बच्चों, ये थे
भेड़ के बारे में कुछ सेंटेंस। ओके बच्चों। ओके जी। तो आपको इन्हें दो बार पढ़ना है, यू विल रीड इट टू टाइम्स। ओके। ओके जी। थैंक यू चिल्ड्रन, टेक केयर, स्टे एट होम, गॉड ब्लेस यू। ओके जी।